तो यहां पर जो नहीं करना है वो क्या, सबसे पहले पैनिक नहीं करना। आपको अपने दोस्त के स्कोर के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है पेपर के 30 दिन बचे हुए हैं, मेरे तो 80 नंबर आ रहे हैं जी, मेरा कैसे होगा। अरे जितना तुम्हारे हाथ में अपने एफर्ट डालो ना यार, ठीक है। आखिरी समय में किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है जो काम में लेकर के आती है, क्या पता वो आपको बहुत ज़्यादा आगे पुश करके चले जाए। तो पैनिकनेस से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयारी पर इफेक्ट ही मारेगा, वो पुश नहीं करेगा आपको। तो सबसे पहला लाइन, पैनिक नहीं करना है। दूसरा बात, मेरे भाई मैसअप मत करना चीज़ों को लेकर के। अरे वो सर ने कहा था करंट अफेयर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओ 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 उनका पढ़ लेते हैं। अरे वो यार वीडियो उनकी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, बच्चे उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लाओ 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 वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसा करोगे अपने आप को मेरे भाई ऐसे मतलब चक्रव्यूह में फेंक दोगे ना, जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 8000 करंट अफेयर के वन लाइनर याद करने से बेहतर है 800 वन लाइनर्स को याद करो, लेकिन ऐसे कि अगर कोई पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए की जगह बी आंसर नहीं बताओ, कंटेक्स्ट बताओ। कंटेक्स्ट चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये काम मत करना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसअप करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड रिसोर्स है, बार बार उसी के ऊपर में पुश मारना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, काम खत्म, ठीक। तीसरा, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले अपना डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट लगा देने हैं 30 दिनों के अंदर में, और आपको लग रहा है कि आप अपने टाइमर के साथ में सही हैं, आपको दिख रहा है कि यार वो चीज़ें जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके कारण मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बदल रहे हैं, तो चाहे वीडियो में मैंने जो भी बातें कही हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपकी एकदम रिवर्स है, आप मत फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है तब, लेकिन अगर नहीं कर रही तो जो कहा उसके बाहर कुछ मत करना, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है अवॉइड सोशल मीडिया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, अभी कुछ दिन के लिए मेरी भी वीडियो मत देखो, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। सिलेक्शन होगा ना भाई तुम्हें दुनिया पूछेगी, और सिलेक्शन नहीं होगा ना तो यार कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें, कहीं पर कोई नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे जो सटीक जानकारी है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ उसके ऊपर में फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। बोलोगे पहला ऐसा बंदा बोल रहा है जो बोल रहा है मेरी वीडियो मत देखो, जरूरी है भाई, ठीक है ना। हमने झेले यार सारे यहाँ पर ताने, हमने झेले, हमने देखे समाज के रवैये, हमने देखे हैं लोगों के बिहेवियर, हमने देखा यहाँ पर कैसे बेरोजगारी किस तरीके से पल पल इंसान को मारती है, कैसे वो खत्म करती है, ठीक है। लोगों के बीच में सांस लेना भी मुश्किल कैसे हो जाता है, कैसे अपने आप को साबित नहीं कर पाना अपने ऊपर में, कितने बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करके चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो भैया, कुछ ना कुछ। ये भारत ऐसा है ना, जहां पर आज बड़ा पाव गर्ल हिट है, कल यहां पर अरमान मलिक हिट होगा, परसों ओलंपिक्स का कोई ना कोई चर्चा चलेगा, फिर जैसे ओलंपिक्स खत्म होगा कोई स्टेट में कुछ पता चलेगा, यहां पर योगी जी छोड़ रहे हैं तो 10 दिन तक आदमी यही देख रहा है योगी जी छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, फिर बीजेपी का चीफ कौन है ये देखेगा आदमी। तो ये तो चलता ही रहेगा यहां पर, सोशल मीडिया को रुकना थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि एक इवेंट खत्म हो गया तो दूसरा जो आएगा ही नहीं आएगा। भाई भारत है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इंटरनेट यूजर्स की जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आ गया ना, उस दिन से मेरे भाई सारा का सारा आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको यहाँ पर रोमांटिक गाने पसंद है तो वहीं सजेशन में मारेगा, वहीं रील्स आपको दिखाएगा, और आप उसमें एंगेज हो गए ही हो गए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ में है पता है? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ में जो टॉप लेवल के आईआईटीएंस हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने उस आपको दिखाएगा, और आप उसमें एंगेज हो गए ही हो गए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ में है पता है? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ में है जो टॉप लेवल के आईआईटीएंस हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं आपके दिमाग को, ठीक है। तो आपकी फाइट यहां पर किसी और से नहीं है, आपकी फाइट आपके दिमाग से ही कराई जा रही है, कि तुम नहीं बचाओगे तो तुमको हम खींच लेंगे अपने जाल में। अब यहाँ पर थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मतलब वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो अली बात है भाई। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करो 30 दिनों के अंदर में, अगर अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति देखना चाहते हो तो।